हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के ब्लॉग की थोड़ी शुरुआत बहुत लेट हो रही है। आज मैं मेरे कामों में थोड़ा बिजी था, इसके लिए आज की ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग में हो रही है। अभी आज मैं जो है मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए इसका सेलिब्रेशन करने जा रहा हूँ मेरे मौसी के लड़के के साथ, सुशांत के साथ। सुशांत, अपने व्यूअर्स को हाय बोलो। हाय। अभी मैं और सुशांत जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और आपको अभी यूनिवर्सिटी के थोड़े शॉर्ट्स बताएंगे हम। ओके, मिलते हैं हम लोग दोस्तों यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अभी हम जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको अभी मैं यूनिवर्सिटी बताने वाला हूँ। यहाँ से शुरू होती है हमारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। आप देख पा रहे होंगे, अभी एंजॉय करिए। आपको और आगे तक बताता हूँ मैं सब इस यूनिवर्सिटी के में क्या क्या है। लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं पैदल रोज। स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे सारे। यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज है, MBA कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है। और औरंगाबाद जिले में जितने कॉलेज है वही यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। उनका सबका एग्ज़ाम का यहाँ पे पेपर वगैरह यहीं बनाया जाता है और यहाँ से ही चेकिंग होती है। अब ये यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये प्रीमाइसेस में ये जो बैंक है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो स्टूडेंट्स के लिए सहूलियत के लिए शुरू की है। ये डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। अभी आपको आज एक छोटा सा टूर दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, बाद में पूरा डिटेल में दूंगा। सुशांत और मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी पूरी घुमाएंगे, पूरी गाड़ी में आपको यूनिवर्सिटी घुमाएंगे। बाद में इन फ्यूचर में के ब्लॉग में मैं हर एक डिपार्टमेंट को जाके आपको डिपार्टमेंट बताऊंगा। बट आज के ब्लॉग में आप ज़रा यूनिवर्सिटी में के रास्ते और यूनिवर्सिटी में के नज़ारे देखो। ये VC का बंगला है, या वाइस चांसलर रहते हैं, VC जिसको बोला जाता है। ये पूरा बंगला VC का है।
जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैचू के पास, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। आपको मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला बताऊंगा। अभी मैं आपको बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला बताने के बाद आगे आपको लेके चलूँगा जो मेन बिल्डिंग है उसके पास। ये देखिए इधर हॉस्टल्स है, ये इस साइड हॉस्टल्स है पूरे। इधर बैडमिंटन टेबल टेनिस का ग्राउंड है इस तरफ। अरे हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के पुतले के पास जा रहे हैं, अभी स्टैचू के पास। आप देख पा रहे होंगे अभी सामने थामो स्टैचू दिखते हैं। ये रहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का स्टैचू जो कि यूनिवर्सिटी में लगा है। अभी हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग के तरफ और थोड़ी देर में वापस आएंगे तो आपको यहाँ के और नज़ारे बताएंगे। ये अभी अभी नया रास्ता बना है यूनिवर्सिटी में कुछ महीनों पहले। अभी अच्छे से लोगों को गाड़ियाँ यहाँ पे चलाने के लिए इजी जा रहा है नए रास्ते की वजह से। पहले बहुत सारे गड्ढे थे यहाँ पे। ये पूरे ग्रीनरी है इधर, बॉटनिकल, ये पूरा बॉटनिकल गार्डन है और इधर भी पूरा गार्डन ही है। यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स पे ऊपर रिसर्च की जाती है इन गार्डन्स में। अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं मेन बिल्डिंग के ओर। ये एक म्यूजियम है यहाँ पे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी तो भी कवर करूँगा। यहाँ हिस्ट्री एक म्यूजियम है जिसमें बहुत सारे विंड ये रखे हुए हैं। ये अभी हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग के ओर, आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं मेन बिल्डिंग बाहर से बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो अंदर से बताऊँगा आपको मेन बिल्डिंग। ये देखो यहाँ से मेन बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। ये मेन बिल्डिंग है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, ये उसका प्रीमाइसेस है। अभी हम यहाँ से घूम के राउंड मार के सोनेरी महल के तरफ जाएंगे। आपको सोनेरी महल के वहाँ का ग्राउंड बताता हूँ। ये हम गोल राउंड मार के सोनेरी महल के तरफ जा रहे हैं। इधर कहीं तो भी जर्नलिज्म का भी डिपार्टमेंट है, वो अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट यहाँ ही है जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट। यहाँ है जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म। सुशांत ने अभी वहाँ पे पढ़ा और बताया। तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपको अभी सोनेरी महल बाहर से बताता हूँ मैं। अगले वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा जब मैं यूनिवर्सिटी का एक
डिटेल वीडियो बताऊंगा, तो सोनेरी महल का परमिशन लेके वहाँ का विजिट करूंगा मैं। ये सामने जो है वो सोनेरी महल है। और अभी हम यूनिवर्सिटी कैंपस में सोनेरी महल के पास है। ये देखिए सोनेरी महल है, ये यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जाएंगे। चलो चलो ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक का ही टूर आपको दिया यूनिवर्सिटी का। अभी मैं नया एक यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्पेशल वीडियो में, और आपको बताऊंगा एक एक डिपार्टमेंट और यहाँ क्या क्या हिस्ट्रिकल हिस्ट्री के बारे में यहाँ की। ठीक है चलो दोस्तों बाय। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गुगा बाबा टेकड़ी के। यहाँ पे आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी ये जो टेकड़ी है, ये गोगा बाबा टेकड़ी है। हम लोग अभी यहाँ आए और हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर हो गए, इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं मैं और सुशांत। हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं और हम लोग थम्सअप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं थम्सअप। चलो दोस्तों अभी आपको मैं कुछ थोड़े सीन्स बताता हूँ और हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, ये पूरा यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये माउंटेन है, पहाड़ है, इसका नाम गोगा बाबा ही है, गोगा बाबा पहाड़ है। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, हम भी एक दिन इस पहाड़ पे जाएंगे ट्रैकिंग को, तो उस दिन आपको व्लॉग शूट करके दिखाएंगे। आज अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, इसका मैंने और सुशांत ने सेलिब्रेशन किया और आपको एक यूनिवर्सिटी का छोटा सा टूर दिया आज के इस ब्लॉग में। क्योंकि आज मुझे सवेरे कुछ काम थे, इसकी वजह से मैं सवेरे ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। वो काम करना कुछ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, इसके लिए पहले मैंने वो काम पर फोकस किया और फिर ब्लॉग शुरू किया। चलो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको कल के ब्लॉग में। Bye-bye, good night, take care, sweet dream, have a nice day.